इंदु परेशान सपना आते और काय कर है मिला बिठे डबले रह है तो चुड़ैलवा तो नहीं लगल है आप फोन करी थे। जोहार दोस्तों, न्यू ब्लॉग से फिर से आप लोग का स्वागत है। गुड मॉर्निंग, कैसे आप लोग? उम्मीद करती हूं आप लोग स्वस्थ मस्त और बढ़िया होंगे। दोस्तों मैं बिल्कुल अच्छी हूं और अभी सुबह हो चुका है, अभी सुबह के 6:30 बजे है। और पता है हमारे तरफ का मौसम इतना ख़राब है ना, मेरा गला ही बैठ गया है। देखिए पूरा कुआसा किया हुआ है, पता ही नहीं चल रहा है, पूरा दूर दूर तक देख रहे। आलू वगैरह को पल्ला मार देगा, देखिएगा आलू इतना ख़राब होगा इस बार ना, मत पीछे भयानक मौसम क्या। पापा भी इतना कुआसा में भी काम करने के लिए जा रहे हैं, गाड़ी लेके आ रहे हैं पापा। पापा चले गए काम करने के लिए और इतना कुआसा है भयानक। और हम लोग का आलू भी कोड़ना है, साग सुखाना था, आलू साग। उस दिन तो चल गए मूर्ति और मम्मी यहाँ पे साफ कर रही है, अभी बैल सबको निकालेगी, इसलिए मम्मी ठीक से दिख भी नहीं रही है। अब यहाँ पे सफाई करेगी, उसके बाद पुआल ऊपर से उतारेगी और यहाँ पे बैल और गैया को कूटेगी, तभी चलते हैं घर। ठंडा, अब मेरा पेट से तो धुआं निकल रहा है, मुंह से मतलब निकल रहा है, बहुत भयानक है, इतना कुहासा गिरा रहा है ना, ठंडा लग रहा है। ये ठंडा तो जाने का नाम ही नहीं ले रहा है। ये भगवान बॉडी बिल्डर को देखिए, है स्वेटरों नहीं पहनता है तुम्हारे। और देखिए दो गबूतरी छुआ लोग वहाँ पे खेल रही है, आप लोग जैसे देख पा रहे होंगे, परी है और नैन्सी है। देखिए इतना कुहासा, अरे तुम लोग को ठंडा नहीं लग रहा है रे? नहीं देखिए ना ये बोल रहे, ये भगवान बॉडी बिल्डर है का, आओ आओ कर रहे हैं। हे भगवान, रंजीत हमर चप्पल के पिन्हा ले लिए और हम चप्पल खोज दोस्त भाई मेरा चप्पल को पहन के घूम रहा है और पूरा अपना चप्पल को ढूंढ रहा, पता है उतरी लग चलो चलो निकलो निकलो बाहर निकलो, पूरा ये लोग घर का सत्यानाश कर देता है लोग। चलो भागो भागो भागो, भगा रहे लोग, रास्ता भी नहीं देख पाएगी ना। इधर है, इधर 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 इधर, बाहर बाहर बाहर, चलो बाहर जा, कहाँ जा रहा है तुम लोग? भगा रहे लोग, जा रहे लोग तालाब में, चलो जा। ये भगवानी महारानी तखन हमें के उठा ले रहा अपने सुतल है नमिता, बड़ा देख रहे हम लोग को उठा लिया अपने सुते ले, बड़ा मेला देख देख आई और कल कुआंस देख के सुतल, देख रहे कुआंस देख के सुतल है बोल रही है, उठो चलो। और कल हम लोग घूमने के लिए गए थे, मेरा तो पैर इतना दर्द दे रहा है ना बाप रे। और फिर आगे फिर उधर से दुकान भी खोले तो थोड़ा सा भी रेस्ट नहीं मिला, उधर पूरा 745 सीढ़ी चढ़े, उसके बाद फिर आए, फिर उसके बाद फिर दिन भर फिर खड़ा रहे उधर से आके, मतलब 3 बजे लगभग हम लोग दुकान पहुंच गए थे और दुकान खोले तो फिर उधर खड़ा रहे फिर उधर 7 बजे तक, इतना दर्द दे रहा है ना मेरे को। और मेरा राइडर में मेरे को हमेशा पीछे ही बैठाता है तो पीछे बैठने से और हालत ख़राब होता है, क्या बोलूँ। और ये भी सोई हुई है, देखिए इंदु तेरा एग्जाम जो है, ओए उठो, एग्जाम जो है तेरा, आज बुतरी को साथ में सुलाइए चिंटू को, नहीं चिंटू नहीं है बुतरी है। और इसका पैर ना दोस्तों टूट गया है, पता है बैल वहाँ पे गुहाल में घुस थी ना तो बैल शायद खून दिया है, क्या किया तो इसका पैर टूट गया है, एक तो पैर देख रही इतना ही लगता है ना एकदम, क्या करेगी बेटा तुम, सो जा सो जा, सो इसको ढका देते हैं दोस्तों, इनको उठाए तो चलो चलो अभी बहुत कुआंसा है, बहुत कुआंसा है, सो जा चल उठो स्कूल जाना है ना तुमको, है कर रही है छोड़ तो। तभी समझ में नहीं आ रहा दोस्तों ऐसा मौसम है, काम करे या नहीं करे। और हम लोग का घर में चीनी भी खत्म हो गया है तो चाय बना के पीते, चीनी भी नहीं लाए हम लोग, क्या बोलेंगे। तो चलिए अभी काम ही करते हैं, क्या कर सकते हैं, पानी गर्म करके पी लेते हैं उसके बाद फिर काम करेंगे। तो पहले कपड़ा सबको सरिया लेते हैं, जितना कपड़ा सब सब उठो इंदु और तुम इधर कपड़ा सरिया, जा रहे हम किचन में, चलते हैं पानी गर्म करेंगे, लाइट तो आई है पानी गर्म। नमिता उठ, अभी जा रहे हैं दोस्तों खाना बनाएंगे,
सुबह झालमुड़ी बना के लाई थी और बोल रही है पुआ देखिए झालमुड़ी बना के लाए थे और वो खा के खत्म भी कर दी ना बेटा। और आग जला दे रही है परी और हम लोग का बासी भात बचल है उसको भूंजेंगे। अभी खाना नहीं बनाया दोस्तों, ये रात का खाना है ये वाला तो इसको, और ये है कल सुबह का खाना। तो इधर प्याज, इधर टमाटर, इधर मसाला और इधर लहसुन, लहसुन नहीं है थोड़ा सा है, और मिर्च को कूट लिए अभी बनाएंगे हम लोग और इसी को अभी खाएंगे। हो सकता है आलू का भुजिया करेंगे, नहीं तो रात का जो सब्जी है उसी से खाएंगे और बाद में दोपहर में देखते तो खाना बनाएंगे, क्योंकि कल हम लोग चले गए थे घूमने के लिए इसलिए इतना सारा खाना बच गया। और मम्मी को नहीं बताया था कल मम्मी सुबह में खाना बनाई थी, तो वो दो टाइम का खाना बना ली थी क्योंकि भाई लोग भी आया था, तो इसलिए और हम लोग चल गए उधर तो एक ही टाइम हम लोग खाना खा गए, तो इसलिए इतना सारा खाना बच गया हम लोग का। और ये रात का है, मम्मी लोग पता नहीं रात में खाई थी कि नहीं खाई थी, शायद नहीं खाई थी मम्मी, इसलिए खाना बच गया ये वाला रात का। अभी चलिए घूमते हैं, तेल भी मेरा गर्म हो चुका है। अरे परी छिटकेगा बेटा छिटकेगा, ये भी इसमें जा गया दोस्तों, अब क्या दे देंगे इसमें क्या परी। और कुआंसा इतना भयानक है अभी तक नहीं सब क्या है, 7:30 बजे फिर भी बहुत ठंडा लगेगा देखते हैं और ज़्यादा। मम्मी लोग रहर को ला के अंदर में रख रही है क्योंकि मम्मी को भी पानी पड़ेगा तो फिर हम लोग का रहर भी है बर्बाद हो जाएगा। तो प्याज को भी डाल दिए डुम्बू, तो मेरे दोस्तों लोग को देगी डुम्बू, बुला आइए डुम्बू खाने के लिए, बोल दो इधर देख के बोलेगी कि ना आइए डुम्बू खाने के लिए। अरे अभी परी की मम्मी ढेकी से कूट के लेके गई अभी सुबह सुबह, पापा दोनों है ना, प्याज ही लगभग भुंजा ही गया है, समझ में नहीं आ रहा, सब मसाला को मिक्स कर लिया इसमें दोस्तों, एक ही बना लेंगे सबको। अरे MDH रहता तो अच्छा होता लेकिन MDH नहीं है, उस दिन लाए थे तो खत्म हो गया। भैया छोड़ दिले पर तेरे घर पट गए रे परी तोर दादी रे ओते कानी ओटा लो। हाँ पर 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 मम्मी ले के गए रहा कितना का लेबे अब ले आटा खींचा 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 बापरे इतना बाइन दे तो यहाँ पारे ना करे। इतना सारा लेके आई नमिता भी आ गई बर्तन ले रुको परी चला बेटा चला बेटा चला बेटा चला 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 जो से फूक मारो, लकड़ी डालती ही नहीं है, और दो लकड़ी दो, यहाँ लकड़ी नहीं रहेगा ना दोस्तों तो जलेगा ही नहीं, लकड़ी तो बटा दो और दो लकड़ी और दो लकड़ी देगी तो हमने देखी ऐसे लकड़ी रहेगा तो अच्छा से जलेगा दोस्तों, लकड़ी नहीं रहेगा तो अच्छा से जल वो नहीं करेगा। पानी आएगा बोल के यहाँ पे घुसा के रख दिए और खिचड़ी भी रेडी हो गया है तो चूल्हा में चढ़ले छोड़ दिया है दोस्तों गर्म रहेगा बोल के, क्योंकि अभी कुहासा बहुत क्या है ठंडा भी लगेगा और इसको नीचे उतार के रख देंगे तो ये ठंडा जाएगा, तो अभी घर से झाड़ू करना है, घर झाड़ू करके फिर खाएंगे। और देखिए अभी तक धूप नहीं उगा है, अभी भी पूरा कुहासा कुहासा चाहिए, दिखाते हैं अपना को। अरे
दरवाजा क्या बंद की रे नमिता, दरवाजा बंद कर दे, खोलो आ गया मम्मी। दरवाजा पूरा बंद कर ला खेबड़ी। हम की है खेबड़ी है। अरे झाड़ू कर रही है और देखिए 8 बज गया दोस्तों, लेकिन फिर भी देखिए धूप दिख ही नहीं रहा है। ए बाप, तुमको ठंडा नहीं लग रहा है नैन्सी? तू का कर रही है? तबीयत उड़म सुड़ू खोज खोज के रो रही है इंदु दोस्तों। क्यों रो, क्यों क्यों रो रही है इंदु, बता दो मेरे दोस्तों लोग को। दोस्तों इंदु को इंदु को मेला का मिठाई ला दीजिएगा दोस्तों आप लोग। इंदु मम्मी रखी थी मेला का मिठाई, उसको खोज खोज के बेचारी पर देख रहे टपो सब में खोज चल रही है भगवान। अब पूरा किचन रूम पूरा छान मारी है फिर भी नहीं मिला इसको। हे भगवान, हालत खराब है। तो वही तो मम्मी को मिठाइया मेला मिठाइया। इंदु परेशान, सपना आते और काय कर है मेला मिठाइया डबले रहा तो चुड़ैलवा तो नहीं लगल अपन के रिते का लुगा रे मलवान तरह का चुड़ैल बुना झोला तब टकला तो नहीं खालो फोन के दोनों को फिर एक एक बार दोनों फोन कर। आज मैं पैदल पैदल जा रही हूँ, मेरी राइडर सुबह ही चल गई है भाई के साथ में। तो बहुत वजन है, टांग ही नहीं सकते, मतलब टांगने नहीं सक रहे। देखते हैं कब पहुँचते। अब यही तो घर से निकले हैं और आधा रास्ता पहुँचे और भाई को फ़ोन किया तो वो बोल रहा है कि 12:30 या 1 बजेगा। तो आज बाजार भी है हम लोग गांव का, तो इसलिए सोचे नहीं पैदल ही चलते हैं। तो चलिए अभी चलते हैं, देखते हैं कब पहुँचते उसको। पैदल पैदल खराब हो गया पूरा ये हाथ और इतना दर्द दे रहा है थैला का। वहाँ पे इतना बड़ा थैला को लेकर आए हैं, अभी यहाँ पहले सफाई कर लेते हैं पूरा गोबर उबर है इधर का बाजार है। साबुन निकालते हैं फिर सफाई कर लेते हैं। और पता है मेरे को 1.5 घंटा पूरा लग गया पैदल आते आते, इतना नहीं लगता है लेकिन ये ठीक है। इतना भारी खाना खुल रही है दर्द दर्द निकालते हैं। दोस्तों दुकान बहुत ज़्यादा भीड़ था इसलिए मैं ब्लॉग्स आगे नहीं शूट कर पाई। जाते जाते बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई थी और मैं अकेले थी, जैसे कि आप लोग पता है नमिता कहाँ चली गई थी और बहुत लेट में आई, तो दुकान बहुत ज़्यादा भीड़ था इसलिए मैं आगे का वीडियो भी नहीं कर पाई और मेरे फ़ोन पर बैटरी ख़त्म हो गया था। मतलब चार्ज था लेकिन उतना भी ज़्यादा नहीं, तो अभी लाइट आया तो चार्ज की हूँ और आप लोग देख सकते हैं वो लाइट चल गया था ना, जूम करके दिखाती हूँ। लाइट नहीं था तभी से, तो वो लाइट जला के सोई थी तभी, वैसी के वैसी सोले है वो। और कल का घुमा हुआ का मेरे को अभी असर दिख रहा है, पता है मैं पूरा पैर को घिसर घिसर के चल रही, इतना दर्द दे रहा है ना, उठा के पैर उठा के चल भी नहीं पा रही हूँ। और फिर दिन भर आज की दुकान में फिर खड़ा रही तो और ज़्यादा दर्द दे रहा है। तो आप लोग देख सकते हैं मेरे फेस को कि मैं कितना ज़्यादा थकी थकी लग रही हूँ। तभी पानी, गर्म पानी भी लेके आ गए हैं और फ्रेश होके तेल वेल भी लगा लिए हैं, मतलब जो भी लोशन वगैरह। और चाय बच गया था हम लोग का, तो वही चाय को गर्म करके रखी इधर गिलास में साइड में, तो ठंडा होने का इंतज़ार कर रही थी कि मेरे को गर्म चाय पीने का आदत नहीं है, जीभ में जल जाती है तो ज़्यादा पीती भी नहीं हूँ। वहाँ पे कूलर में पीती हूँ तो वो ठंडा हो जाता है कूलर में थोड़ा देर में, लेकिन ये गिलास में तो ठंडा ही नहीं हो रही है। इंतज़ार कर रही कि ये चाय ख़त्म होगा उसके बाद फिर पिएंगे फिर सो जाएंगे। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक एंड करते हैं। उम्मीद करते हैं आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक करें एंड कमेंट करें दोस्तों, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग तक जाते रहे। तो चलिए आज का ब्लॉग यहीं तक एंड करते हैं दोस्तों, और आज का कुहासा तो पूरा सुबह से लेकर के पूरा शाम तक वैसे ही था। तो चलिए बाय बाय।